सात का महीना है ना, जितने यहाँ बैठे और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे, प्रयास करना, बैसाख के महीने में मिट्टी के पात्र में जो रात्रि भर जल रखा हो, मिट्टी के पात्र में अगर आपके पास में घड़ा हो, हंडा हो, नी हो, तो दिया हो, दीपक हो, कुल्लड़ हो, कोई भी तुम्हारे पास में जो मिट्टी का पात्र, उसमें जल भरना। वो जल बैसाख के महीने की किसी भी सोमवार के दिन या किसी प्रदोष के दिन या बैसाख महीने के शिवरात्रि के दिन वो मिट्टी के पात्र का जल अपने घर के प्रत्येक व्यक्ति का स्पर्श करा रहा है। उस मिट्टी के पात्र के जल को तांबे के पात्र में डाल लीजिए और घर के प्रत्येक व्यक्ति का स्पर्श करा लीजिए और शंकर भगवान कर कुंद कैश्वर महादेव के नाम से समर्पित करिए। कभी जीवन में पीछे पलट कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप कुंड जाकर जल चढ़ाएंगे। आप भी बना लो एक नियम कि बैसाख महीने की शिवरात्रि यह भी शंकर भगवान को अपने दिल की बात कहते हुए, अपने मन की बात कहते हुए, रोग मुक्ति के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, धन वैभव संपदा के लिए, समृद्धि के लिए मुझे भी जल चढ़ा, मैं भी जल चढ़ा। एक लोटा पानी शिव जी को, उसमें बेलपत्र डालने के बाद हेड में उस जल को, या कोई मट्टी का सफोरा हो, बर्तन हो, घड़ा हो, कलश हो, उसमें भरा हुआ रखा हो, वो तांबे के पात्र में डाल लो, उसको ले जाकर चढ़ा। और एक और चीज का ध्यान रखना, अगर असाध्य रोग, जैसे ऐसा रोग हो जो समाप्त नहीं हो रहा हो, कैंसर, किडनी, लीवर, या किसी का डायलिसिस चल रहा हो, या लीवर काम नहीं कर रहा हो, या शरीर की कोई हड्डी जुड़ नहीं रही हो, तो जो जल शिवजी को लोग चढ़ा रहे हैं वो जल को आचमन कर लेना। और आचमन शंकर भगवान की छोटी बेटी अशोक सुंदरी के नाम से कर, उसका आचमन केवल अशोक सुंदरी के नाम से। और शंकर भगवान की सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी या किडनी या लीवर या बुखार, पेट से जुड़ा हुआ, सिर से जुड़ा हुआ, कंधे से जुड़ा हुआ, या घुटने से जुड़ा हुआ, या रीढ़ की हड्डी में कहीं पानी भरा गया हो, या कमर झुक रही हो, कोई भी रोग उधर से लेकर शरीर के अंदरनी भाग का है और वो बेकार हो, तो बैसाख का महीना चल रहा है, राकेश देवी जी, बैसाख का महीना चल रहा है, बैसाख के महीने की शिवरात्रि के दिन, बैसाख के महीने की जो शिवरात्रि आएगी, हर महीने शिवरात्रि आती है, तो बैसाख की जो शिवरात्रि है, इस शिवरात्रि के दिन सुबह 8 बजे से 11 बजे के बीच में एक लोटा पानी, उसमें थोड़ा सा बेल का फल मिल जाए, उस फल का थोड़ा सा भाग, या तो बेल का फल का अगर छिलका मिल जाए तो उसमें पानी भरकर तांबे के लोटे में डाल लो, या बेल का फल नहीं मिले तो बेलपत्री को लेके उसमें डुबो दो और डुबो के बेलपत्री को बाहर निकाल दो। वो पानी भगवान शंकर को शिवरात्रि के दिन, बैसाख महीने की जो शिवरात्रि है, बैसाख के महीने में प्रत्येक महीने शिवरात्रि आती है, बैसाख के महीने की शिवरात्रि के दिन सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में शंकर भगवान को अपना रोग और बीमारी, शंकर भगवान को जल समर्पित कर जाओ, बाबा पर विश्वास रखकर चलना, धीरे धीरे ठीक हो जाओ। शिव भगवान शिव की सुबह के समय जाकर, और अगर बेलपत्री का पानी नहीं मिले तो मिट्टी के पात्र का पानी, आपको कथा में कहा, मिट्टी के पात्र का पानी, वो भी शंकर भगवान को समर्पित कर सकते हैं। जल जल बैसाख के महीने में शंकर पर शीतल जल समर्पित कर देने से शरीर के रोग समाप्त हो जाते हैं और रोग टिकता नहीं। शीतल जल, और अगर शीतल जल का दर्शन करना हो तो कभी महाकालेश्वर, अभी कभी आप लोग लाइव दर्शन करते हो महाकाल के, तो महाकाल के दर्शन करेंगे तो बैसाख महीने में 5-5
राजा के ऊपर बांध दिए जाते हैं जल चढ़ाने के लिए। कभी आप लोग चकलेश्वर महादेव जाए मथुरा वृंदावन में गिराजी की परिक्रमा, चकलेश्वर महादेव पे पांच पांच मिट्टी के घड़े शिव जी के ऊपर बांध दिए जाते हैं। कभी काशी जाए तो वहां पर मिट्टी का घड़ा शिव जी के ऊपर रख दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो मिट्टी के पात्र का जल जब बैसाख के महीने में शिव पर गिरता है तो जो उस जल को समर्पित करता है वो रोग से मुक्त हो जाता है, बड़ी बीमारी में गिरता नहीं। बाहर निकलता है तो झाड़ू पोछा नहीं लगाया जा रहा है। कोई घर का व्यक्ति घर के बाहर जा रहा है, कोई काम से जा रहा है, कोई जरूरी काम से जा रहा है, कोई विशेष काम से निकल कर जा रहा है और घर की बहुएं उसके जाने के बाद झाड़ू पोछा लगाएं तो सिद्धता नहीं है, वो श्रेष्ठता नहीं है। किसी के जाने के बाद झाड़ू पोछा कम लगता है तुमको अच्छे से मालूम है। आसूड़ा ढलकाती जाए और झाड़ू पोछा लगाती जाए, ये कब लगता है? जब कोई अच्छे से ही चला जाता है तब झाड़ू पोछा। सनातन हिंदू धर्म की आज भी रीति है, कोई जाता है घर से अपने घर का व्यक्ति सदस्य कोई विशेष कार्य के लिए जा रहा है तो झाड़ू पोछा नहीं लगना चाहिए, थोड़ी बाद में या तो पहले लगाओ या फिर आधा एक घंटा रुक जाओ उसके बाद में लगाओ। जैसे एक एक दुर्वा, कितने दुर्वा? एक दुर्वा, मात्र एक दुर्वा शंकर भगवान पर चढ़े हुए जल जब नीचे की ओर आता है, जिस जगह पर जल गिरता है उस जगह पर मात्र एक दुर्वा प्रदोष के दिन अपनी कामना कर कर इस शरीर के सुख के लिए शंकर भगवान के जल गिरने वाले स्थान के पास में अब दुर्गेश्वर महादेव के नाम से रख दी जाती है तो जिंदगी में कभी बड़ी बीमारी नहीं आती। उसी तरह जिससे रोग को समाप्त करने के लिए दुर्वा का प्रयोग किया गया। आप लोगों ने पूर्व में जो शिव महापुराण की कथा कुबेरेश्वर बाबा की धारा से करी थी वो आप लोगों को ध्यान में होगा। दुर्वा कैसे उत्पन्न हुई थी, दुर्वा का महत्व क्या है, कितनी दुर्वा चढ़ाना चाहिए, कैसी दुर्वा चढ़ाना चाहिए, दुर्वा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, दुर्वा तोड़ने के बाद पानी में डालने के बाद फिर हरी हो जाती है इसका क्या कारण है, दुर्वा गणेश जी को क्यों चढ़ाई जाती है, शंकर जी को दुर्वा किस स्थान पर चढ़ाई जाती है, ये सारी कथा आपको पूर्व में इसी कुबेरेश्वर बाबा के पावन धारा से सुना चुके जो टीवी पर डली हुई है। कभी आपने नहीं सुनी हो तो यूट्यूब पर से दुर्वा शिव महापुराण की कथा आप निकाल कर उसको श्रवण कर सकते हैं। उसमें वर्णन किया है कि इस दुर्वा का महत्व क्या है, दुर्वा का क्या मात्र एक दुर्वा प्रदोष के दिन शिवलिंग पर चढ़े हुए जल